हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास ट्वेल्थ। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक की कराई जाती है आपको कम्प्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है आपको, YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई-बुक्स एंड ई-नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। उसका कौन सा टॉपिक, सर्कल्स टॉपिक। सर्कल टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 9.1 के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, उन वीडियोज को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हमने पहले पैरेललोग्राम देखा था, फिर ट्राइंगल देखा था, अब हम किसे देखेंगे, सर्कल को देखेंगे, ठीक है। सर्कल की बात करी जाए तो हमें पता है सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये सर्कल होता है, ठीक है। एक रफ डायग्राम बनाए, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो यहाँ पर एक टॉपिक दे के रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, क्या होता है ये सर्कमफेरेंस, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है अराउंड द सर्कुलर रीजन, ये जो सर्कुलर रीजन है उस पर ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये जो बना हुआ है गोला, ये राउंड शेप बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। यही सर्कमफेरेंस होती है किसकी, सर्कल की, ठीक है। इतना आया समझ में? अब सेंटर ऑफ द सर्कल आपको पता ही होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या रहती है, ये सेंटर होता है, ठीक है, ठीक है। देन सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो लाइन खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियस, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं रेडियस। ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इतना तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें डायामीटर की, तो डायामीटर क्या होता है, जब एक सर्कमफेरेंस से सेंटर से होते हुए एक लाइन जाती है दूसरे सर्कमफेरेंस पे टच करती है, दूसरा साइड जो होता है उस पर टच करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं उसे हम, डायामीटर बोलते हैं, जिसे हम लॉन्गेस्ट कोर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट कोर्ड, ठीक है। इतना आया समझ में? तो ये क्या हो गया, हमने देख लिया सर्कमफेरेंस क्या होती है, हमने ये भी देख लिया क्या मतलब रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होता है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ सिक्स सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस एंड फाइंड देयर सर्कमफेरेंस बाय यूजिंग स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायामीटर। क्या बोला जा रहा है कि हमें सिक्स अलग अलग क्या ड्रॉ करने हैं, सर्कल ड्रॉ करने हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस। जब अलग अलग सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो रेडियस है, मतलब रेडियस है जो हर सर्कल की जो रेडियस होगी वो भी अलग होगी, ठीक है। एंड फाइंड देयर सर्कमफेरेंस बाय यूजिंग स्ट्रिंग, और बोला जा रहा है स्ट्रिंग की हेल्प से, मतलब थ्रेड ले लो, तार ले लो, उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें उसकी हेल्प से सर्कल का मतलब सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, ठीक है। आया समझ में? ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द डायामीटर, और बोला जा रहा है हमें रेशियो भी फाइंड करना है सर्कमफेरेंस टू द डायामीटर, ठीक है। आया समझ में? तो सबसे पहले ये जो टेबल दे के रखा है उसमें सबसे पहले सर्कल की हम बात करें, उसकी रेडियस कितनी दे के रखी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो डायामीटर होता है ना, जो डायामीटर होता है
वो रेडियस का डबल होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कर देंगे तब जाके क्या आ जाएगा, हमारा डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो डायमीटर रहता है वो रेडियस का डबल रहता है, एंड जो रेडियस रहती है वो डायमीटर की हाफ रहती है। मतलब रेडियस अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब सबसे पहले हमें देके रखी हुई पहले सर्कल की रेडियस, रेडियस से हमने निकाला डायमीटर, मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो आप समझ पा रहे होंगे 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आया है। इसका मतलब क्या है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देके रखा, सर्कमफेरेंस भी देके रखा हुआ है। स्ट्रिंग की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया है, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस भी फाइंड आउट किया है, जो कि क्या आया है, 22 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायमीटर, मतलब सर्कमफेरेंस टू डायमीटर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सी डिवाइडेड बाय डी कर देंगे, मतलब सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डायमीटर कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। सर्कमफेरेंस दे के रखा है 22 और डायमीटर क्या दे के रखा है, 7। ठीक है, 22/7 हो गया। अब अगर हम इसे कर रहे हैं डेसिमल में कन्वर्ट या डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 7 3 जा कितना आएगा, 21 आएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, देन 7 1 7 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, देन उसके बाद 0 लगा देंगे, देन 7 4 जा 28। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है आंसर, अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 3.14। क्या आ रहा है, 3.14 आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो पहले सर्कल का हमने क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। ठीक है, अब सेकंड सर्कल को देख लेते हैं, रेडियस देके रखी हुई है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, जो कि हमें दिख रहा है रेडियस का दुगना है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्कमफेरेंस भी देके रखी हुई है 44 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या है, 44, और डायमीटर क्या देके रखी हुई है, 14। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है, 222 जा क्या हो जाएगा, 44, एंड 27 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर, 22/7। तो जस्ट अभी हमने क्या किया था, 22/7 को डिवाइड किया था, आंसर क्या आ रहा था, 3.14। क्या आ रहा था आंसर, 3.14, तो सेम यहाँ पर भी आ जाएगा 3.14। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, तीसरे सर्कल की बात करें तो रेडियस देके रखी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना देके रखा है, 21 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस का क्या है, डबल है। ठीक है, फिर सर्कमफेरेंस भी यहाँ पे देके रखी हुई है 66 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका भी रेशियो निकाल लेंगे, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस है 66, डायमीटर कितनी है, 21। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करने पे हमें पता है 3 2 6 3 2 6, एंड यहाँ पे 3 7 कितना होता है, 21 हो जाता है, तो 22/7 फिर से आंसर आ रहा है, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 3.14। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट सर्कल देख लेते हैं, नेक्स्ट सर्कल में हमें दिख रहा है रेडियस कितनी देके रखी हुई है, 21, एंड डायमीटर कितना है, 42, जो कि 21 का क्या है, डबल है। ठीक है, सर्कमफेरेंस देके रखी हुई है 132 सेंटीमीटर, तो अब हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 132/42, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 6 12, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 4, एंड यहाँ पे 2 1 2, अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 2 6 3 2 6, एंड यहाँ पे 3 7 21, तो आंसर क्या आ रहा है, 22/7, मतलब क्या आएगा डेसिमल में आंसर, 3.14 ही आएगा। ठीक है,
इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर रेडियस देके रखिए, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है जो कि 5 का क्या है, दुगना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस देके रखी हुई है 32 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर का रेशियो निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। जब हमने 32 डिवाइडेड बाय 10 किया तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, एक जीरो है। तो न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा, 3.2 आएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, 6th वाला, रेडियस देके रखी हुई है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर देके रखा है 30 सेंटीमीटर जो कि 15 का क्या है, दुगना है, ठीक है। सर्कमफेरेंस कितना है, 94 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट क्या करना है, सेम वही सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस है 94 एंड डायमीटर कितनी देके रखी हुई है, 30, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 2 की टेबल से हो जाएगा 2 4 8, 1 कैरी गया तो 2 7 14, एंड यहाँ पे 2 1 2 1 कैरी गया, 2 5 कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 47/15। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 47 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15 3 45, यहाँ पे माइनस करके 2 आंसर आ रहा है, डेसिमल यहाँ पे 0, यहाँ पे 15 1 15, एंड यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, देन 15 3 45, देन यहाँ पर 5 आंसर बच रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है, 3.13। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 3.13, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये सब हमने क्या किया है, सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर का हमने निकाल लिया है रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अलग अलग सर्कल लेने हैं 6, ठीक है। उसी की इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी हुई है, रेडियस दे दिया, डायमीटर दे दिया, सर्कमफेरेंस दे दिया, एंड उसके बाद हमसे बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर का, एंड वो भी हमने निकाल के देख लिया, लगभग सेम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताती हूँ ये टेबल हमने बनाया क्यों है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है, हमसे बोला जा रहा है, व्हाट डू यू इन्फो फ्रॉम द अबव टेबल, इज दिस रेशियो अप्रोक्सीमेटली द सेम। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको जो रेशियो मिला था वो अप्रोक्सीमेटली सेम मिला था, क्या आपने एनालाइज किया। तो हमने देखा ऑलमोस्ट सब में 3.14 था, किसी में 3.2 और किसी में 3.13, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज क्या निकल रही थी, सेम ही निकल रही थी, ठीक है। यही हमने एनालाइज किया। तो ये जो बोला गया, इज दिस रेशियो अप्रॉक्सीमेटली द सेम, तो हम क्या लिख देंगे, यस, हमें तो सेम लगा है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हमसे, कैन यू से दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज मोर देन 3 times द डायमीटर। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का वो डायमीटर से हमेशा 3 times से ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं, जब हमने रेशियो निकाला तो हमने देखा हमारा आंसर 3.14 3.13 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना ज़्यादा आ रहा है आंसर, मतलब सर्कमफेरेंस जो है वो डायमीटर से क्या है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कैन यू से दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मोर देन 3 times इट्स डायमीटर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, यस, ये भी हमने देखा, ये भी हमने एनालाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, दिस रेशियो इज अ कॉन्स्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय पाई। क्या बोला जा रहा है, ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो हमने निकाला, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, एंड हम इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं किससे, पाई से। किससे डिनोट करते हैं, एक सिंबल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ऐसा कुछ सिंबल होता है जिसे हम पाई बोलते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। इट्स अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 22/7 या फिर 3.14। ये जो पाई की वैल्यू होती है, अगर हम डेसिमल में बात करें तो अप्रॉक्सीमेट क्या निकल के आती है, अप्रॉक्सीमेट निकल के आती है 3.14, और अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो कितनी निकल के आती है, 22
अपॉन 7, ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सो वी कैन से दैट सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई. तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी अपॉन डी मतलब सर्कमफेरेंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं डायामीटर से, मतलब जब हमने रेशियो निकाला तो हमने देखा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू पहले तो 22/7 आ रही थी एंड जब हमने कन्वर्ट करा तो क्या आ रहा है, 3.14 आ रहा है, ठीक है. और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं. इसका मतलब क्या है, सी अपॉन डी किसके बराबर है, पाई के बराबर है, ऐसा हम बोल सकते हैं. क्योंकि हमने देखा था जब हमने ऐसे रेशियो निकाला तो क्या आ रहा था, 3.14 आ रहा था. और ये 3.14 क्या है, पाई ही तो है. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी अपॉन डी का रेशियो क्या आएगा, पाई के बराबर आएगा, ठीक है. इतना आया समझ में? सो वी कैन से दैट सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई, वेयर सी रिप्रेजेंट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसमें हम क्या बोलेंगे, ये सी क्या है, ये जो C हमें दिख रहा है ये क्या है, ये है सर्कमफेरेंस. क्या है, सर्कमफेरेंस है सर्कल की, ठीक है. और ये D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा डायामीटर. ये D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा डायामीटर, ठीक है. इतना आ गया समझ में? फिर उसके बाद एंड D इट्स डायामीटर, डी क्या हो जाएगा, डायामीटर हो जाएगा, ठीक है. और सी इज इक्वल टू पाई डी, अब इसका क्या मतलब है, हमें दिख रहा है सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई होता है. तो अगर हम देख पा रहे हैं कि डी जो कि डायामीटर है वो डिवीजन फॉर्म में है, अगर हम डायामीटर को अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू पाई डी हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा, सी मतलब सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर हो जाएगा जब हम इस डायामीटर को ऑपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा. अब हमें ये भी पता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है 2 × रेडियस. क्या होता है, 2 × रेडियस मतलब रेडियस का दुगना होता है, जिसको हम 2r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रेडियस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, r लिखते हैं. किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2r पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2πr. मतलब अगर हम अलग से लिखें तो पहले तो पाई लिखा हुआ है एंड डायामीटर की जगह हम 2r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं. डायामीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायामीटर की जगह हम 2r लिख सकते हैं, मतलब 2 × रेडियस लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस का प्रॉपर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr. क्या बन जाएगा, 2πr बन जाएगा, ठीक है. आया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? सबसे पहले तो रेशियो से हमने देखा, फिर हमने क्या किया, डायमीटर को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र किया, फिर हमने क्या देखा, डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2 × रेडियस, रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, तो हमने यहाँ पे 2r लिख दिया डायमीटर की जगह, ठीक है. फिर उसके बाद प्रॉपर फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, 2πr. इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr मतलब 2 × π × r मतलब रेडियस, ठीक है. इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन. कर लिया आपने नोट डाउन? कोई डाउट है क्या आपको? होना तो नहीं चाहिए. अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, जो जस्ट मैंने आपको समझाया वही देके रखा है. सबसे पहले तो डायामीटर पाई की तरफ ट्रांसफर हो गया, सी अपॉन डी था, सी अपॉन डी था, ठीक है, इज इक्वल टू पाई लिखा हुआ था. हमने क्या किया, हमने डायामीटर को ट्रांसफर कर दिया पाई की तरफ, तो वो क्या बन गया, पाई डी बन गया, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर. वी नो दैट डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस. अभी जस्ट जो मैंने बताया हमें पता है, जो डायामीटर ऑफ अ सर्कल होता है वो क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस. हम उसे कैसे डिनोट कर देंगे, डायामीटर इज इक्वल टू 2r, ठीक है. आया समझ में? r मतलब रेडियस. सो c इज इक्वल टू पाई डी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई बाय 2r बोल सकते हैं, जिससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू 2πr. मेन फॉर्मूला यही है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 × π × r, और r का मतलब क्या है, रेडियस, ठीक है. इतना आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन.
कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिनोट किया जाता है, आपको अच्छे से समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। एंड ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पर भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।